बट इस बीच बाजार में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है इस साल और वो है क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने इसमें कंपनियों की दिलचस्पी कम होती हुई दिख रही है यूजली काफी पॉपुलर रूट होता है क्यों इस समय ऐसा हो रहा है कि आप कंपनी के पास ऑलरेडी फंड्स हैं या फिर कुछ और बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं आ, ये समझते हैं नुपुर के साथ नुपुर बताइए क्यों ऐसा हो रहा है बाजार में बिल्कुल क्यूआईपी फंड रेज तब होता है जब आपकी बैलेंस शीट कमजोर हो या आपको डेट ज्यादा देना हो तो दोनों चीज पे अगर हम देखें तो काफी इम्प्रूवमेंट आया है लॉकडाउन के बाद से ही और पिछले छह साल का डेटा भी पुल आउट करे और 2013 से भी डेटा पुल आउट करे तो इस साल अब तक सिर्फ तेरह कंपनियों ने क्यूआईपी से फंड रेज किए पिछले साल करीबन पैंतीस कंपनियां थी और दो में पच्चीस कंपनियों ने फंड जुटाए थे क्यू के थ्रू दो में करीबन 8000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई थी और इस साल भी अब तक सिर्फ 8200 करोड़ की फंड रेज हुई है 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो सारी कंपनीज की तरफ से फंड रेज हुआ था चाहे वो क्यूआईपीओ एनसीडीज हो डेटो तो सबसे ज्यादा अमाउंट आपको वहीं दिखेगा 80800 करोड़ की फंड रेज 2020 में हुई थी और उससे कम अगर हम देखें तो 56000 की 2017 में हुई थी अब इस साल इतना कम इसलिए हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन इंक की जो कंपनीज है उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग है जो केपेक्स उन्हें डालना था उनके लिए सफिशियंट कैश है अवेलेबल बैलेंस शीट में मार्केट में जितनी वॉलिटिलिटी है जितना अपसाइड हमने देखा तो वैल्यूएशन अब फिलहाल एक्सपेंसिव है तो इसके चलते एक रीजन है कि क्यूआईपी फंड रेज नहीं हो रहे हैं और एफबीआई की तरफ से भी लगातार हमने बिकवाली देखी है तो एक ये रीजन है तो इस जिसकी वजह से इस बार क्यूआईपी फंड रेज कम हुए। हुआ है सबसे ज्यादा अगर किसी में फंड रेज हुआ तो माइक्रोट डेवलपर्स इस साल करीबन 3700 करोड़ का फंड रेस किया था QIP के थ्रू इंडियन होटल्स होटल स्टॉक्स में स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने देखा था था का कंसर्न आया था, तो यहाँ पे दो करोड़ का फंड रेज हुआ स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी दो करोड़ का है, और बर्गर किंग की बात करें तो करीबन चौदह करोड़ का फंड रेज हुआ तो यही है जहाँ पे सबसे ज्यादा फंड रेज इस बार हुआ है फार्मास्यूटिकल आईटी और कंज्यूमर सेक्टर के पास तो ऑलरेडी काफी ज्यादा सफिशियंट कैश है तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं लग रहे कि फर्दर कुछ फंड रेज होंगे रियल स्टेट इंफ्रा और पावर सेक्टर में फंड रेजिंग हो सकती है लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट है तो ऑल इन ऑल छह साल के लोवेस्ट लेवल पे इस साल फंड रेज दिखाए क्यूआईपी के थ्रू हम्म तो छह साल के निचले स्तर पर है फंड रेस क्यूआईपी के थ्रू फिलहाल उतना पॉपुलर ऑप्शन नहीं है और अच्छी बात यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट ऑलरेडी सुधरी हुई है लिक्विडिटी में काफी कंपनीज ने अपने बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करी है डेट रीपेमेंट कर हैं तो उस हिसाब से देखें तो एक अच्छी ही चीज है इनकाउंटर्स के लिए आ, शुक्रिया अनुपूर्ण ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आ, नजर रखे यहां पर आपको काफी सारे काउंटर्स फोकोस में आएंगे बट